हेलो फ्रेंड्स, गीताजी दे सेक्शन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आपको पता ही है कि रमज़ान चल रहे हैं और लॉकडाउन भी चल रहा है। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ हरियाली कबाब, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है, रमज़ान में बनते हैं। तो गाइस, मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो गीताजी दे सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और गाइस, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी न्यू न्यू डिशेज के साथ। तो गाइस, देख लेते हैं हमें हरियाली कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 100 ग्राम मैंने पालक लिया है, इसको उबाल लिया था, उबाल के मैंने इसको पीस लिया है। इस तरीके से हमें पीस लेना है। और 5 ब्रेड लिए थे, उसका क्रम बना लिया है मैंने। और ये आधी किलो आलू लिया है मैंने, आधी किलो आलू को उबाल लिया है मैंने। 1 मिर्ची कटी हुई, 1 बड़ी प्याज कटी हुई और अरारोट लेंगे हम। तो गाइज, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने देख ही लिए हैं। देखिए गाइज, एक परात लेंगे, परात के अंदर हम जो ये आलू हैं इनको मैश कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो इनको कद्दूकस करके ले सकते हो। देखिए, इसी तरीके से मैं सारे ले लूँगी। तो गाइज देखिए, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने पालक लिया है, ये देखिए, इसको अच्छे से इसी में डाल लेंगे सारा। देखिए गाइस, इसमें मैंने पालक ऐड कर लिया है। पालक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से। और साथ ही साथ इसके अंदर हम हरी मिर्च और प्याज इनको डाल के अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो गाइस देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 1, 2, 3 और ये 4। और साथ ही साथ 1 से 2 चम्मच अरारोट डालेंगे हम। और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, साथ ही साथ अब इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे हम। तो गाइस, पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हींग 1 पिंच, और गाइस देखिए, 1 चम्मच नमक, आधे चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया, गाइस आधे चम्मच आमचूर, 1 मैगी मसाले का पूरा पैकेट डाल देंगे हम, आधे चम्मच काला नमक, इससे टेस्ट अच्छा आता है, आधे चम्मच गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया। अगर गाइस ये ज़्यादा ढीला हो तो इसके अंदर आप अरारोट और ब्रेड क्रम्स मिला सकते हो। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और ये ब्रेड क्रम्स लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लेना है हमें। थोड़ा सा ऑयल हम हाथ में लगाएंगे इस तरीके से, और थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से हमें कबाब बनाने हैं उतने हम ले लेंगे हाथों में। और एक अच्छा सा इसका गोला सा बनाना है, जिस तरीके से कबाब बनते हैं। इसकी शेप आप कैसे भी देख सकते हो। ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप बना लेनी है। अब ब्रेड क्रम्स लेंगे, उसके अंदर इस तरीके से ऐड करके ले लेना है हमें। और इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी कबाब। देखिए गाइस, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम गोल करेंगे और ब्रेड क्रम में ऐड करके
इस तरीके से हमें ले लेना है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। देखिए गाइज, इस तरीके से मैंने सारे कबाब बना के बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। हम इसको फ्राई कर लूँ। देखिए गाइज, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बार हम इसको चेक कर लेंगे थोड़ा सा डाल के। ये देखिए, ये देखिए गाइज, इस तरीके से ऑयल गर्म है। अब इसके अंदर जो हमने कबाब बना के बिल्कुल रेडी किए हैं उसको ऐड कर देंगे। और गैस को मीडियम रखना है। इसी तरीके से सारे ऐड कर दूंगी गाइस। इसी तरीके से मैं सारे ऐड कर दूंगी गाइस। इसको हम फ्राई होने देंगे। गैस को मीडियम रखना है गाइस। देखिए, एक बार इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। गैस मीडियम रखनी है हमें। मैंने इसको अच्छे से पलट लिया है। देखिए गाइस, इसको एक बार और फ्राई पलट लेंगे हम। ये देखिए, गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं। बस थोड़ा सा फ्राई और करना है, फिर ये बिल्कुल बन के रेडी है। इसको गार्निश करूँगी मैं चटनी के साथ। गाइस, आप ज़रूर बना के खाइएगा लॉकडाउन में खासकर, और रमज़ान भी चल रहे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए गाइस, कितने अमेजिंग कलर आया है इनके ऊपर। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर और गार्निश करूँगी चटनी। देखिए गाइस, कितने अमेजिंग हरियाली कबाब बन के बिल्कुल रेडी हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए हरियाली कबाब बनाने की, तो गाइस आपको पता ही है कि तानी देसी किचन को लाइक करना है, सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर किए करना है। और गाइस, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और गाइस, इस रेसिपी को तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। तो गाइस, कहने का मतलब बस यही है मेरा कि आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी रेसिपी है, जल्दी से भी बन के रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस।